So hello guys, this is your boy Parth Desai. I welcome you all to my channel Toxic Noobs. और पिछले वीडियो में जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपने सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। दो दिन में हमने क्रॉस किए 100 आवर्स का वॉचिंग टाइम ऑन आर टिकटॉकर्स रोस्ट वाला वीडियो, एंड इतना सारा रिस्पॉन्स मिला तो क्यों ना एक और रोस्ट कर लिया जाए। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज हम एक और धूमपताड़ा चीज लेने के लिए जा रहे हैं रिमांड के ऊपर, जो कि हर रोज टीवी पे आती है सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ, ये 5 मिनट के लिए टीवी पर आती है क्योंकि उनके आधे घंटे के एपिसोड में 15 मिनट तो सिर्फ एड चलती होती है, उसके बाद 5-7 मिनट उनके प्रीकैप के लिए छोड़ दे और फिर बाकी का जो समय बचता है उनमें तो बस ये ही चलता है। मतलब भाई साहब, अगर ये सारी चीजें सीधे सीधे दिखा दे तो इनका कुछ चला जाएगा क्या? नहीं, लेकिन इनको तो सुप धुमतरा यही सब दिखाना है। तो भाई साहब, एक दिन किसी खतरनाक नक्षत्र के बीच मैं अपनी मम्मी के साथ एक सीरियल देखने के लिए बैठ गया। पूरे आधे घंटे के एपिसोड में एक बंदा सिर्फ गाड़ी के नीचे उतर रहा है, बस इतना ही। हाँ, एक बंदा गाड़ी से नीचे उतर रहा है। एक टाइम पे उसका एक पैर बाहर जाता है और फिर सारे रिश्तेदारों के मुंह से जुप 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 जुप, मतलब 3-4 बार ऐसे स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में जुप 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 जुप, और उसके बाद क्या होता है पता है? वो बंदा दूसरा पैर नीचे रखता है, उसके बाद वापस से वो जुप 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 जुप, मतलब अरे कंजरों नहीं बनती तो बंद कर दो, ये सीरियल नहीं चलानी हमको। लेकिन नहीं, हमको तो हिस्टोरिकल सीरियल बनानी है। क्या करते हो भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सीरियल उस टाइम से चला रहा है जब मैं छोटा बच्चा था, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे खानदान वालों से मेरा क्या रिश्ता है। आज मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरी भांजी सीरियल देखने की उम्र लायक हो गई है और इनको अभी तक ये नहीं पता कि इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई थोड़ा सा तो पता चला लो यार, अभी नहीं सहा जा रहा। अरे ये लेजेंडरी सीन, गोपी बहू एक नंबर की। खैर, आज हम पारिवारिक वीडियो बना रहे हैं। गोपी बहू एक नंबर की भोली लड़की है, इसको ये भी नहीं पता कि लैपटॉप को पानी से वॉश नहीं करते। आजकल के जानवरों को भी पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पानी नहीं लगाते। आपकी बुद्धि कहीं पे चरने गई थी क्या? इंडियन टीवी सीरियल लॉजिक्स, हमारे देश की महिलाएं इसको इतना फील करती है, हर इंडियन टीवी सीरियल कैरेक्टर्स को अपने दिल से लगाकर इतना महसूस करती है कि भाई क्या कहने, कहां पे होते हैं इतने सारे अपशकुन। दिया बुझ गया तो अपशकुन, अरे 10 मिनट के बाद उसका घी खत्म हो जाता है तो अम्मा जी वो दिया बुझ जाता है। 10 मिनट पहले दिया बुझ गया तो उसमें क्या हो गया अपशकुन? अरे इनकी नई नई बहुए गलत पैर से कलश गिरा देती है तो अपशकुन हो जाता है। मैंने सीरियलों में इतनी बार ये कलश को गिराने वाली चीज देखी है ना, तो अब तो मुझे भी पता चल गया कि कौन से पैर से कलश चिल्लाते हैं। हाँ गिराते हैं, वो वाला चावल वाला। हाँ, साला चम्मच गिरा दिया तो अपशकुन, दूध का ग्लास गिरा दिया तो अपशकुन, ओ माय गॉड गोपी बहू दोपहर में 5 मार दिया अपशकुन। और माँ कसम शादियाँ, सीरियलों में ये शादियाँ 1-1 महीने तक चलती है और कभी पूरी नहीं होती है शादियाँ। अगर कोई सीरियल में ये एक शादी अगर पूरी सबकी खुशियों के साथ पूरी हो जाए ना, तो कसम से मैं अपना नाम बदल के धर्मपाल रख दूं। विजय दीनानाथ जान, पूरा नाम। मैं जानती हूँ यामिनी, तू जानबूझ के सता रही है मुझे, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। ऐसे कौन करता है भाई इतनी देर तक खड़े खड़े सोचते हुए। हमें तो अपनी माँ को ही सामान दे तो हम लेके चल देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं। आपने मुझे फोन दे दिया अम्मा जी, लगता है आपकी इसमें कोई गहरी से गहरी चाल है, सोचना पड़ेगा। चल यामिनी, आज बहू के साथ थोड़ा सा सास बहू का ड्रामा खेल ले। चल तेरी बहन का गाजर का हलवा, इतने बड़े बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, इतने बड़े बड़े घर क्या सिर्फ चाल खेलने के लिए बना रखे हैं? बस अपने अपने रूम में बैठ के हम सब चाल चाल खेलेंगे और कुछ भी नहीं। मैं कुंवर साहब को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उनको पूरी जिंदगी याद रहेगा, देखना। अरे प्लानिंग प्लॉटिंग की बात तो दूर, हमारे घर में कोई अगर बाथरूम में फ्लश भी चालू कर देना तो पूरे घर को सुनाई देता है। चलो मतलब पहले तो फिर भी सही था, कोई एक सीरियल 7-8 साल चलता था, दिमाग का माँ बहन करता था और उसके बाद बंद हो जाता था हमेशा के लिए। लेकिन आजकल एकता कपूर ने तो मतलब एक नई चीज सीख ली है, थियरी ऑफ
न्यू सीजन्स एक के बाद एक सीजन आती जाती है और हमारे दिमाग का हलवा बनाते जाती है। मतलब नागिन 1 क्या कम कैंसर था क्या जो नागिन 3 लॉन्च कर दिया? किसने मांगा था नागिन 3, किसने मंगाया था नागिन 3, लेकिन हम तो बनाएंगे, कोई बात नहीं। और हमारे एकता कपूर जी को लग रहा है कि उनकी वेब सीरीज, उनके सीरियल्स हॉलीवुड की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को टक्कर दे रहे हैं। कोई इनके मुंह पे एक बार ब्रेकिंग बैड या फिर नार्कोस को फेंक के मारो तो इनको उनके औकात पता चले कि वो क्या बना रहे हैं। वैसे एक सही बात बताऊं, हमारी इंडियन ऑडियंस जो है ना वो खुद एक बहुत बड़ी नॉर्मी है, खुद एक बहुत बड़ी नूब है कि एक गाली सुनने में उनके कान के पर्दे फट जाते हैं, इसलिए वो यही डिजर्व करती है इंडियन डेली सोप्स के इलॉजिकल लॉजिक्स और इंडियन डेली सीरियल्स, यही डिजर्व करते हैं। देखो पार्ट बोल रहा हूँ। हाँ क्या तुम अभी आ सकते हो? हाँ मैं एक बहुत ही हार्ड एक्टिंग से रूबरू हुआ हूँ, बस तुम्हारी डिमांड है, जरा आ जाओ ना। मतलब एक चांटे में पापा की परी का लड्डू बन गया और उसने खुद फांसी खा ली। इस सीरियल के डायरेक्टर को 21 सुसुओं की सलामी मिलनी चाहिए। हाँ। ससुराल सिमर का शुरू तो हुआ था सिमर के ससुराल से, लेकिन अब ये किस किस का ससुराल बन गया है वो खुद सिमर को भी नहीं पता। मतलब कहीं पे भूत आ रहा है, कहीं पे तांत्रिक आ रहा है और चांटे चांटे इस सीरियल में किलो के भाव पे बचते हैं। देखो अरे अभी है और है, दिखाओ ना भाई। ए राजू और दिखा ना भाई, और है अभी। तो भाई ये तब होता है जब आप किसी सीरियल को 10-15 साल खींच दे और फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है स्टोरी में दिखाने के लिए, तो फिर स्क्रिप्ट में चांटे ही लिखे जाते हैं। इसका कोई रीजन नहीं होगा, बस उसको सेक्सी लग रहा होगा इसलिए कुछ बोल दिया इमोशनल बनाने के लिए, और कुछ नहीं। तो भाई ये कुछ आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, जैसे कि हमारी मम्मियां गेट पे खड़े होकर किसी को बाय बोलते वक्त 1-2 घंटा कैसे आसानी से खींच लेती है, वैसे ही इंडियन टीवी सीरियल्स पर जब किसी को गोली लगती है ना तो वो आराम से 5-7 एपिसोड के लिए तो बस जिंदा रहता है, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हालचाल पूछेगा, बातचीत करेगा, पूरी सीरियल का रीकैप एक बार देगा, उसके बाद मरेगा। ए नहीं 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 नहीं, वो मरता भी नहीं है, उसके बाद आता है मदरफकिंग पुनर्जन्म फॉर्मूला। यस पुनर्जन्म फॉर्मूला। हाँ और वो भी काम ना आया तो प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी तो मतलब इन्होंने ऐसे ही बना रखी है, जो भी हलता चलता कोई भी प्लास्टिक सर्जरी। वैसे प्लास्टिक सर्जरी में सिर्फ शकल ही तो बदलती है ना, मतलब जितना मैंने सीखा है वहां तक शकल ही बदलती है, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल में मतलब हिप्स, ब्रेस्ट, लिप्स, चेस्ट और कुछ बचा क्या, सब बदल जाता है साला। और इंडियन ऑडियंस तो यहाँ पे गांजा फूक के बैठी है ना, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि रामायण चल रहा है या महाभारत चल रहा है या छोटा भीम चल रहा है या इंडियन टीवी सीरियल चल रहा है, चल क्या रहा है? ओ यस, ये कैसे बोल सकता हूँ मैं, इंडियन टीवी सीरियल लॉजिक नंबर 69, तेल पर फिसलना। बहू प्रेग्नेंट है तो तेल पे फिसलेगी, घर में खुशी का माहौल है तो तेल पे फिसलेगी, किसी को राज की बात बताने जाना हो तो तेल पे फिसलेगी। मतलब विरोधियों को मात देने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचती है ये टीवी सीरियल की औरतें, लेकिन इनका फाइनल प्लान क्या होता है, क्या होता है इनका फाइनल प्लान? सीडीओ पे, फ्लोर पे तेल गिरा देंगे और फिर क्या, उसका खेल खलास। तो कभी किसी ने सोचा है कि इंडियन टीवी सीरियल्स में जो औरतें होती है वो तो घर में बैठ के, रूम में बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग में टाइम बिताती है, षड्यंत्र रचती रहती है और उसके साथ तेल गिराने के आइडियाज ढूंढते रहती है, और उनके मर्द, उनके आदमी लोग तो चोमों की तरह उनके पीछे बस उनकी बातें सुनते रहते हैं, तो इनके पास इतना पैसा कहां से आता है, सोचा है? मतलब रात को सो जाएंगी भारी भारी जेवरे पहनकर, भारी भारी साड़ियां पहनकर, कल्याण ज्वेलर्स की साड़ियां पहनकर ये सो जाएंगी सीरियल्स में, और यहाँ पर तो एक घड़ी पहन के भी सो जाए ना तो आधी रात को 2-3 बजे उठना पड़ता है उस घड़ी को निकाल के सोने के लिए। और ये लो एक और नया ट्विस्ट, अच्छी खासी स्टोरी चल रही थी सीरियल की और बीच में छोटा भीम वाली स्क्रिप्ट ला दी, मतलब
क्या? और ये तकलीफ ये सिर्फ इतनी नहीं है, तकलीफ आगे भी है। हमारे देश की औरतें, बहनें, माएं इस चीजों को सभी तरीके से अच्छे से, गौर से, दिल से लगाकर बड़े इंटरेस्ट के साथ देखती भी है। तो हमें ये पता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल 0% रिलेटेबल चीजें हैं। तो बात यह है कि अगर इसी तरह के तुम अगर नॉर्मल ऑडियंस बने रहोगे और नोबड़ो की तरह बस यही कंटेंट देखते रहोगे तो कोई चीजें होने नहीं वाली। और स्टोरी भी जिनके प्रेडिक्टेबल होती है, तुम्हें पता है कि वही सीरियल, वही सास बहू, वही कल्याण ज्वेलर्स वाले गहने, सब कुछ वही। तो क्यों क्यों ये एकता कपूर भी कुछ नया बनाएगी? वही बनता रहेगा, नागिन पागिन वही सब चलता रहेगा। तुम लोग यार जाके कुछ रिलेटेबल कंटेंट देखो, भले उसमें न्यूडिटी है, गालियां है, लेकिन एटलीस्ट रिलेटिव तो है और रियलिस्टिक तो है। वहां पे जाके उनको टीआरपी दो यार। आजकल जो Netflix, Amazon Prime उन सब पे जो वेब सीरीज आ रही है उनको जाके देखो, उनको टीआरपी दो। वहां पे जाके आप ये कंटेंट देखोगे तभी तो इंडियन टीवी सीरियल्स भी उनके कंपटीशन में आना चाहेगी ना, और वैसी उस लेवल के कंटेंट बनाना चाहेगी ना। ये हमारे Zee TV, Star Plus, Sony TV इसीलिए आगे नहीं है क्योंकि वो सब ऐसी बकचोदियां करते रहते हैं। और हमारे जैसे रोस्टर, सॉरी आई मीन हाँ, तो हमारे जैसे लोग इन सभी चीजों को रोस्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ऐसी चीजें देखोगे ही नहीं तो वो लोग ऐसी चीजें बनाएंगे भी नहीं, और कंपटीशन के बदले वो लोग अच्छी अच्छी चीजें बनाना शुरू करेंगे। तो तुम लोग ही जाके मत देखो ना यार। खैर, इससे ज्यादा मैं इस वीडियो को सह नहीं सकता तो यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूंगा। आप प्लीज अपनी माताओं बहनों को ये वीडियो शेयर कर दे। ये वीडियो इसलिए मैंने बिल्कुल पारिवारिक तरीके से बनाया है ताकि आप अपने फैमिली ग्रुप में भी इसे शेयर कर सके। इस वीडियो का एम रखते हैं 400 लाइक्स, और ये वीडियो इसीलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि अगर यहाँ पे 400 लाइक्स का गोल हमारा फिनिश होता है तो इसका पार्ट 2 मैं जरूर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टॉक्सिक नोव्स, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं पार्थ देसाई आपसे विदा लूंगा, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। चिपक के हिलता।